well student, I am continuing again with the hybridization. I will discuss some more examples. Let us take CLF3. A new example, CLF3. In this case, chloride has formed 3 bond, right? ये 3 sigma bond हैं इसके. और chloride की जो configuration है, that is 3s2, 3p5 and 3d0. ये इसकी configuration है. S में 2 electron है बेटा. और P में 5 है. ठीक है? 1, 2, 3, 4 and 5. और D vacant है. ठीक है? इस configuration के मुताबिक chlorine has got one unpaired, लेकिन जहां इसने 3 bond बनाए हैं, it required 3 unpaired. So chloride will undergo excitation. So in this excitation, ये S में 2 electron रह जाएंगे और P में से 1 electron जहां से निकलकर D में चला गया बेटा. जी, जहां से electron निकल के इधर आ गया, 3 unpaired हो गए. Now अब ये 3 bond बना सकता है बेटा, तो it can form 3 bond. So hybridization start from the base और continue जब तक required number of single bond नहीं complete हो जाते हैं. ये overlap, ये hybridize करेगा bond नहीं बनाएगा, ये hybridize करेगा bond नहीं बनाएगा, फिर उसके बाद ये 1, 2, 3. So hybridization will be sp3 dehybridization. sp3 dehybridization होगी बेटा. जब sp3 dehybridization हो तो ज्योमेट्री क्या बनती है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 1, 2, 3, 4 and 5. आपको बताया था ये ट्राइगोनल और एक पिरामिडल ऊपर और एक पिरामिडल नीचे. ये लोन पेयर, लोन पेयर कितने आ गए? 2. आपको बताया था ये लोन पेयर हैं, वो कहां जाते हैं? वो रहते हैं इक्टोरियल में, एक्सियल में नहीं जाते, जहां रिपल्शन कम होती है. ठीक है? और फिर ये आपका सीएल हो गया, ये एक फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन. तो ये तो क्या बन गया? टी शेप्ड ज्योमेट्री बन गई इसकी, टी शेप्ड. ठीक है? क्योंकि ये तो लोन पेयर है, ज्योमेट्री में हिस्सा लेता, ये लेता, तो ये हो गया ये ऐसे. ठीक है? और टी थोड़ी सी टेढ़ी होती है ऐसे, थोड़ी सी. हां, क्यों? क्योंकि ये ऊपर लोन पेयर जो है इसको रिपेल करते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं, फ्लोरीन थोड़ा सा बेंट हो जाता है, ये एंगल 180 नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है. तो टी शेप्ड हो गया बेटा. नाउ चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, IF5. ठीक है? IF5 लेते हैं. IF5 में आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 5, 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5. हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5. आयोडीन का जो बैलेंस शेल है, दैट इज 5s2, 5p5 एंड 5d0. ठीक है? S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 5 हैं, 1, 2, 3, 4 and 5. और D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है? तो आयोडीन में इसकी एक्साइटेशन हो जाती है, ये एक इलेक्ट्रॉन कितने अनपेड चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉन्ड बनाने हैं ना. तो ये अभी तो एक अनपेड है, ये एक इलेक्ट्रॉन जहां से निकलकर इधर आ गया, 3 हो गए. एक इलेक्ट्रॉन जहां से निकलकर इधर आ गया, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अनपेड हो गए. तो इट विल गो 2 टाइम एक्साइटेशन, डबल एक्साइटेशन हो जाएगी बाय डिस्क की. हैं? डबल एक्साइटेशन होगी, ये 2 बार एक्साइट करेगा, एक बार जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर और एक बार जहां से इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया. तो फिर ये पेयर रह गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 हाइब्रिडाइजेशन जहां से स्टार्ट होगी. ठीक है? ये हाइब्रिडाइज करेगा, है 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्मा है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. एक s, 3p, ये 3 रह गए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो sp, तो sp3d ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टेटल. हैं? ऑक्टेटल में कैसे होता है? 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया. हैं? तो अब ये क्या है? लोन पेयर. तो लोन पेयर जो है, यहां डाल दो या यहां डाल दो, एक ही बात है. हैं? तो फिर ये आपका क्या हो गया? Cl, I. दिस इज F, दिस इज F,
दिस इज एफ, दिस इज एफ, ये एफ, ठीक है। तो अब ये ऑक्टेटल तो तब होना था जो अगर ये बॉन्ड होता, ये तो है नहीं, ये ज्योमेट्री में हिस्सा ले रहा, तो इट ज्योमेट्री बिकम स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये पिरामिडल, ये सभी के सभी नीचे जॉइन कर रहे हैं, तो एक पिरामिडल बन रहा है, चाहे नीचे को हो चाहे ऊपर को, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल का समझते हो, पिरामिड बनता है, है? तो ये पिरामिड ज्योमेट्री बिकम स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री होगी। अगर जहां लोन पेयर नहीं होता, एफ आता था, ऑक्टेटल बन जाना था, समझा गया बेटा। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ, सपोज मैंने ले ली एग्जांपल, हाँ, एक पॉजिटिव की, ऐसे लिखते हैं सी एल एफ टू पॉजिटिव। देखो बेटा ये सी एल एफ टू पॉजिटिव, ठीक है, आई सी एल फोर नेगेटिव, ऐसे देखो बेटा, जब लिखा होता है ना पॉजिटिव तो वो इसका होता है, जब लिखा होता है नेगेटिव तो इसका होता है, मेरी बात समझे गए। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लिखते हैं पॉजिटिव तो वो इसका मानते हैं, अगर नेगेटिव इसका मानते हैं। तो ये सी एल एफ टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस पर है, सी एल, सी एल की क्या बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो देखो इसने सी एल ने क्या लिखा है, सी एल पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, एक बॉन्ड है और दो बॉन्ड, कितने पर सिग्मा हो गए, दो, और क्लोरीन पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्लोरीन का क्या बैलेंस शेल होता है, हैं, 3s2 3p5 and 3d0, हो गए बात समझ आ गई। लेकिन Cl क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 3s2 3p4 and 3d0, बात समझ आ गई। अरे पॉजिटिव तभी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, फोर हो गया, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटे, दो, p में कितने बच गए, चार, एक दो तीन चार, और d में कोई नहीं है, ठीक है, खाली पड़ा है, सिग्मा कितने हैं, दो, तो ये दो बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोई एक्साइटेशन की जरूरत नहीं, बट विल बी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये लोन लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, दो बॉन्ड बनेंगे, एक और थ्री, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, किसकी, CLF2 पॉजिटिव की। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाइडल, लेकिन ऑक्टाइडल ऐसे बनता है, एक, ये दो, और ये क्या हो गया, तीन, लोन पेयर कितने हैं, दो, एक लोन पेयर इधर आ गया, ये दूसरा लोन पेयर इधर आ गया, ये Cl आ गया, ये पॉजिटिव, और इधर एक फ्लोरीन आ गया, और एक इधर फ्लोरीन आ गया, तो ज्योमेट्री क्या बन गई, वी शेप्ड, हैं, ये तो वाटर की तरह बन गया, हैं, वाटर की तरह, प्योर वाटर की तरह, लोन पेयर उसमें दो थे तो ये हो गया, ठीक है। सपोज मैं इसको लेता हूं IClF4 नेगेटिव, ये नेगेटिव, ऐसे देखो इसका मतलब ये है, आई एक क्लोराइड, दो क्लोराइड, तीन क्लोराइड, जो चौथा क्लोराइड है उसके ऊपर नेगेटिव है, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। देखो क्लोराइड का कितना बैलेंस शेल होता है, क्लोराइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, हाँ 17, तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, क्लोराइड 17 होता है, नेगेटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 18 हो गया, तो पहले शेल में कितने हो गए, दो, दूसरे में कितने हो गए, 8, तीसरे में कितने हो गए, 8, अरे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Cl नेगेटिव का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इट बिकम 2 8 8, मेरी बात समझ गए, पहले क्या था ये 2 8 7, जब Cl था, जब Cl नेगेटिव हो गया, इट हैज बिकम 2 8 8, समझा गया मेरी बात। अब देखो आगे, जब क्लोराइड 2 8 8 हो गया, अब तो ये बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके पास कोई एंड पर इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। देखो इधर क्लोराइड पहले में कितने हैं, दो, दूसरे में कितने हैं, 8, तीसरे में भी कितने हैं, 8, 8 कैसे होंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद पेयर हो गए, 5 6 7 8, इसके पास तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, ये तो बॉन्ड बना नहीं सकता। हाँ ये कैसे बना सकता है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता तब बॉन्ड बना सकता, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करे तो तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो जहां पर ये आयोडीन बॉन्ड कितने बने हैं, हैं 4, लेकिन ये यहां से क्या कर रहा है, लोन पेयर ले रहा है, तो देखो आप इसकी आयोडाइड का
देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, तीन तीन बना रहा है, चौथे में लोन, चौथा भी बॉन्ड है लेकिन उसमें लोन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आयोडाइड का बैलेंस शेल क्या बताया था आपको, फ्लोरीन क्लोरीन 5s2 5s2 5p5 and 5d0। देखो इस वक्त इस s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, p में कितने हैं, पांच है बेटा, है ये दो, हाँ दो चार और ये एक पांच, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो। ठीक है, तो ये दो एक अनपढ़ हो गया, लेकिन कितने कितने चाहिए, एक दो तीन, तो तीन के लिए ऑक्साइड कर दो इसको, ऑक्साइड करने से यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, तो ऑक्साइडेड स्टेट में क्या हो गया, ये आपका एक, ये आपके कितने रह गए, दो एक पेयर रह गया और दो अनपेयर हो गए और एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, कितने अनपेयर हो गए, तीन, एक दो तीन बॉन्ड बना सकता है, एक दो तीन, और जो चौथा ऑर्बिटल है वो खाली है, क्लोराइड क्या करेगा, लोन पेयर देगा, किसको, इस वेकेंट को, इस वेकेंट को लोन पेयर देगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में जे भी इन्वॉल्व होगा, क्यों क्यों, इसलिए कि ये जो एक्सरे बताता है कि ये चारों बॉन्ड जो हैं इनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है, यानी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन चारों में से, चारों एक जैसे हैं, तो फिर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जहां से स्टार्ट होगी और जहां तक जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम sp3d2। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाइडल, लेकिन ऑक्टाइडल में दो क्या है, लोन पेयर, तो ऑक्टाइडल में कैसे होगा, ऐसे एक, हाँ ये आयोडीन आ गया इधर, ये एक क्लोराइड, ये दो क्लोराइड, तीन चार, एक क्लोराइड दो क्लोराइड तीन क्लोराइड चार, और एक क्या आ गया, लोन पेयर इधर ये, और एक नीचे में क्या आ गया, लोन पेयर। आपको मालूम है लोन पेयर तो हिस्सा नहीं लेता, जब जे भी निकल गया है, तो जे भी निकल गया तो पीछे तो सिर्फ जे चार बन गए, तो ज्योमेट्री क्या बन गई, स्केयर प्लैनर, स्केयर प्लैनर बन गई इसकी ज्योमेट्री, मेरी बात समझ गए, ज्योमेट्री बिकम स्केयर प्लैनर, समझा रही नहीं। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं रिवाइज नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो, इसलिए रिवाइज नहीं कर रहा है, जहां टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो डिवाइड हो जाती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है फिर है। अब और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये लेते हैं XEF2 जीनान डाइफ्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। देखो जीनान आपको मालूम है हीलियम, नियान, आर्गन है, क्रिप्टन, जीनान, इसका 2, 3, 4, 5 है, 2s2 2p6 है, 3s2 3p 4s2 5s2। जीनान का जो बैलेंस शेल बनता है 5s2 5p6 and 5d0। देखो बेटा इस जीनान में दो इलेक्ट्रॉन, s में दो इलेक्ट्रॉन हैं, p में कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है, दो इधर आ गए और दो इधर आ गए, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, डी खाली पड़ा है। इस कंडीशन में जीनान बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जीनान डाइफ्लोराइड में जीनान तो दो बॉन्ड बना रहा है, ये दो बॉन्ड बना रहा है, XEF2 बना रहा है, तो इसका मतलब है ये अनपेयर करेगा, तो फिर क्या करेगा, जीनान ऑक्साइड करेगा, ऑक्साइड करने से जहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएगा, कितने अनपेयर हो गए, एक और दो, दो बॉन्ड बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d ज्योमेट्री ऑक्टाइडल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d में क्या बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल है और बाई पिरामिडल, एक पिरामिडल और दूसरा पिरामिडल, दिस इज जीनान है, ये क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर, और जे क्या है, ऊपर एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, और जे क्या है, नीचे एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, ठीक है, दिस इज XEF2, ठीक है, ये है फ्लोरीन और फ्लोरीन, XEF2, दिस इज sp3d है। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी भाई, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर, क्यों, क्योंकि ये तो लोन पेयर है, ये ज्योमेट्री में ऐसा लेता, ये भी लेता, ये तो फिर ये ही रहा ना, ये हो गया
फ्लोरीन, जीनान और ये फ्लोरीन, न्यूक्लियस तीनों को ज्वाइन करो, ये ज्योमेट्री बन गई लीनियर। समझा गए? लेट अस टेक नेक्स्ट एक्सिया फोर लेते हैं। एक्सिया फोर में जीनान ने कितने बॉन्ड बना लिए? चार, एक दो तीन चार, इसके चलिए चार अनपेयर, चार अनपेयर, जीनान की दो बार एक्साइटेशन हो जाएगी, जे वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे चला जाएगा, एस में कितने रह गए? दो हैं, पी में छह थे, दो चार रह गए, एक दो तीन चार, दो आगे चले गए, दो आगे चले गए, ठीक है, जे हो गए दो अन आगे चले गए, कितने अनपढ़ हो गए? चार। कहां से स्टार्ट करेगी? जहां से कंटिन्यू कहां कर, जहां तक, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d2, ये बन गया sp3d2। जब sp3d2 होगी तो फिर ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाइडल। जब ऑक्टाइडल होगी तो एक दो तीन चार पांच और छह, लेकिन ये क्या है? लोन पेयर। ये भी क्या है? लोन पेयर। और ये क्या है? जीनान। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन। ज्योमेट्री क्या बनेगी? स्केयर प्लैनर। ऑक्टाइडल नहीं रहा भाई, इट बिकम स्केयर प्लैनर। क्यों? क्योंकि यहां लोन पेयर आ गया, लोन पेयर जहां नहीं आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री बाय नेचर सिमेट्रिकल बनती है, जहां आ जाए तो अनसिमेट्रिकल हो जाती है, ठीक है, तो दिस बिकम स्केयर प्लैनर। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये हमारे पास है, जीना डाइऑक्साइड XeO2, इसको देखो, जीना डाइऑक्साइड में जीना ने ये दो बांड बनाए हैं, ये दो बांड बनाए, ठीक है, कितने हो गए? दो सिग्मा दो पाई, हैं सिग्मा दो ही बने हैं, हैं जीना के अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? चार, टोटल अनपेयर चार, चार बांड बना रहा है, चाहे दो सिग्मा है दो पाई है, तो जीना की दो बार एक्साइटेशन, पहले जीना का लिखो, ये आपका 5s2 है, जीना का ये लिखा था ना 5s2 5s2 5p6 एंड 5d0। s में कितने हो गए? दो बेटा। p में कितने हो गए? 6, ये आपका 6 हो गया, है 2 2 4 एंड 2 6, और d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हो गया, तो जीनान की एक्साइटेशन हो जाएगी, दो बार होगी, क्यों? कितने अनपेयर चाहिए? चार, एक दो तीन चार, चार, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जहां से निकलकर इधर, एक एक इलेक्ट्रॉन जहां से निकलकर इधर, चार अनपेयर हो गए, एक दो तीन चार। मैं इधर दोबारा लिखता हूं, जीनान की दो बार एक्साइटेशन हो जाएगी, एस में दो इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है, और पी में आपके पास एक रह गया पेयर, और दो क्या हो गए? अनपेयर्ड, और ये दो अनपेयर्ड आगे आगे, राइट, जे बन गया। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? एक दो तीन चार, चार बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होनी है? जहां से, और कब तक कंटिन्यू करनी है? जब तक दो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन जाए, दो सिग्मा बॉन्ड चाहिए, हैं, जे हाइब्रिडाइज करेगा बॉन्ड नहीं बनाएगा, जे हाइब्रिडाइज करेगा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये हाइब्रिडाइज करेगा एक सिग्मा, ये हाइब्रिडाइज करेगा दो, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अरे जीना डाइऑक्साइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये दो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड, ये पाई, sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाइडल, एक ये दो ये तीन और ये चार, ये लोन पेयर, ये भी क्या है? लोन पेयर है, और जहां आ जाएगा ऑक्सीजन, और जहां आ जाएगा ऑक्सीजन, बी शेप्ड हो गया, वाटर की तरह हो गया, हैं, वाटर की तरह हो गया, OH जीनान, ये जीनान डाइऑक्साइड की, ठीक है, आओ अब जीनान ट्राइऑक्साइड की बनाते हैं, XeO3 की, XeO3 में देखो, ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है, कितने सिग्मा? तीन सिग्मा, पाई कितने हैं? तीन, पता है ना कि किसी भी दो एलिमेंट के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक पाई होता है, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, कितने सिग्मा हो गए? तीन, पाई कितने हो गए? तीन, टोटल बार कितने हो गए? छह, छह के लिए इसको तीन बार एक्साइट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जे भी आगे चला जाएगा, अब एस में दो रह गए, ठीक है, और पी में तीन अनपेयर्ड हो गए, एक
दो तीन, और डी में भी तीन अनपेड हो गए, ठीक है, हैं एक दो तीन, तो ये एक दो तीन चार पांच छह, छह वर्ड बन गए भाई, दो दो चार दो छह। हाइब्रिडाइज कहां से स्टार्ट हुई, जहां से, कब तक चाहिए, जब तक तीन सिग्मा नहीं, तो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, ये तो बॉन्ड बनाएगा, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी थ्री। अरे जीना ट्राइऑक्साइड में भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री है, जीना डाइऑक्साइड में भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री है, हैं? तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, इसके ऑक्टाइडल कैसे बनता है, एक ये आपका दो, ये आपका तीन और ये चार, तो जहां पर लोन पेयर, जहां भी ऑक्सीजन आ जाएगा, जहां भी ऑक्सीजन आ जाएगा, जहां भी ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर हम एक्सीओ फोर की बात करें, जीनान टेट्राऑक्साइड की, तो इसमें जीनान ने एक, ये दो है, तीन चार, कितने बॉन्ड बने, फोर सिग्मा फोर पाई, आठ बॉन्ड बनाए हैं, और आठ बॉन्ड तभी बना सकता है अगर जे इलेक्ट्रॉन भी आगे चला जाए, तो जीनान की तीन बार एक्साइटेशन होगी, तीन बार नहीं चार बार एक्साइटेशन होगी, एस का भी एक रह गया, पी में भी कितने रह गए, तीन, तीन इधर से और एक इधर से, चार इलेक्ट्रॉन डी में आ गए, चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार। हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी, जहां से, सिग्मा कितने हैं, चार, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी थ्री, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, ये सारे पाई बनाएंगे। सो दिस इज बेटा अप टू हियर, जहां तक, बाकी कोई होगा साथ साथ में करेंगे, ओके बेटा।